नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गुरु सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं और गुरु का गोचर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम अपने जीवन में सभी शुभ कार्यों में गुरु की भूमिका को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। 13 सितंबर से पहले गुरु अपनी वक्री अवस्था में चल रहे थे और 13 सितंबर से गुरु मार्गी भी हो चुके हैं और गुरु का मार्गी होना सभी जातकों के जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आया है। अभी गुरु धनु राशि में यानी अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, किंतु 20 नवंबर से गुरु का गोचर धनु राशि से मकर राशि में हो जाएगा जो कि गुरु की नीच राशि है और यहाँ पर गुरु 5 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं और शनि के यहाँ पर पहले से ही मौजूद होने के कारण से गुरु का यहाँ पर नीच भंग भी हो जाएगा और आपको गुरु के बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली में गुरु का गोचर अभी लाभ भाव यानी 11वें भाव में चल रहा है। यहाँ से गुरु पराक्रम भाव, संतान भाव और जीवन साथी यानी विवाह के भाव को भी देख रहे हैं। इस समय कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत शुभ स्थिति में चल रहा है क्योंकि गुरु इस समय बहुत ही शुभ भावों को देख रहे हैं और आपके विवाह और संतान के योग बना रहे हैं। विवाह योग्य जातकों का इस समय में विवाह निश्चित होगा और संतान चाहने वाले जातकों को संतान की प्राप्ति होगी। 20 नवंबर से गुरु का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा। यहाँ पर शनि पहले से ही मौजूद हैं और आपके कहीं दूर जाने के योग बनाकर बैठे हैं। आपका ट्रांसफ़र कहीं दूर होने के चांसेस बन सकते हैं। आपके अंदर धर्म व अध्यात्म की भावना उमड़ सकती है। आप कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपका आपके बच्चों पर भी खर्च हो सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी जहां पर शुक्र की राशि है और शुक्र इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव भी होता है। आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अपनी ओल्ड एज के लिए कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपको इन कार्यों में किसी महिला का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, चाहे वे आपकी पत्नी हो या माता हो या ऑफिस की कोई बॉस भी हो सकती है। आपकी माताजी से भी इस समय में आपके संबंधों में सुधार होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी, साथ ही शनि की भी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होगी। आपको इस समय में पुराने रोग व ऋण तथा शत्रुओं से भी छुटकारा मिल सकता है। कोर्ट केसेस में भी आपके जीतने के चांसेस बनेंगे। आप यदि जॉब में हैं तो आप प्रमोट भी हो सकते हैं। आप इस समय में कोई कंपटीशन भी क्लियर कर सकते हैं और अपनी जॉब में अच्छा जंप मार सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। आपको अचानक से कोई लाभ हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी से आपको बड़ा लाभ होने के भी योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों पर इस समय में खर्चा होना संभव है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।